सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फ्लाई डॉट साहिल के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से एक स्टैमरिंग वाला इंसान, एक अटकने वाला इंसान लगातार नहीं बोल पा रहा। अब देखो, अटकना होता क्या है सबको पता है कि अगर कोई इंसान अपनी बात को लगातार ना बोल पाए उसको बोलते हैं ये इंसान रुक रुक के बोल रहा है या फिर ये इंसान अटक अटक के बोल रहा है। अगर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, हाईवे के ऊपर चला रहा हूँ, अगर वो मेरी गाड़ी थोड़ा चले फिर रुके, फिर थोड़ा चले फिर रुके, क्या आपको गाड़ी चलाने के अंदर मज़ा आएगा? नहीं। अब ये यही चीज़ आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखो कि जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बोलता हूँ रुक जाता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ रुक जाता हूँ, या शुरू के अक्षर पे ही 90% मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि वो शुरू का अक्षर ही मेरे लिए इतना बड़ा बन चुका है कि मैं कुछ बोलने लगता हूँ वो मुँह से निकल ही नहीं पाता, ब्लॉकेज हो जाती है। अब देखो, यहाँ फ्लो नहीं है, लगातार बोलने का मतलब है फ्लो। अब वही अटकने वाला अगर गाना गाएगा तो कभी नहीं अटकेगा, वहाँ क्या काम कर रहा है दोबारा? फ्लो। अब गाना गाते हुए फ्लो कैसे काम करता है पहले तो वो समझो। गाना गाते समय हमें वो लिरिक्स, हमें वो सॉन्ग एक म्यूजिक के साथ याद रह जाता है और जब हम उस म्यूजिक को गुनगुनाते हैं तो वो एक फ्लो में चलता है, वो कभी आराम से, वो कभी हाई पिच पे, कभी लो पिच पे। और एक जब वहाँ फ्लो की बात कर दी ना तो फ्लो का मतलब है वो लगातार ही गाया जाएगा बिना रुके। चाहे कोई जितना मर्जी अटकने वाला हो लेकिन गाना गाते समय उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना मात्र प्रॉब्लम आती है। तो इसका मतलब क्या, फ्लो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ हम इग्नोर कर रहे हैं। अब स्टैमरिंग वाले को लोग एडवाइस क्या कर रहे हैं कि आप ना स्लो बोला करो, आप स्लो बोल के उसका फ्लो और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। स्लो बोलने का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम साहिल मलिक है। अब इस लाइन को जैसे मैंने बोला इसको बोलते हैं स्लो बोलना, वर्ड्स में बोलना। सबसे ज़्यादा नुकसान आप आज भी इसी के अंदर फंसे हुए हो और अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है ऐसे बोलो तो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि इस स्लो बोलने में फ्लो तो है ही नहीं ना। और हमें क्या चाहिए, फ्लो। अब फ्लो आएगा कैसे, कोई भी स्टैमरिंग वाला हो अपनी उस स्पीड का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो अभी का, जैसे मर्जी बोल रहे हो आप अटक रहे हो मैटर नहीं करता। सेकंड वीडियो एक और रिकॉर्ड करो जितनी आराम से मैं बोल सकता हूँ, मैं स्लो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ। जितना नॉर्मल होकर रिलैक्स होकर बोलोगे उतना लगातार बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम साहिल मलिक है। अब इसको मैं नॉर्मल स्पीड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ फ्लो रहता है, स्लो स्पीड में कभी फ्लो नहीं रहेगा। नॉर्मल स्पीड में आपको फ्लो 101% रहेगा और वही तो हमें चाहिए। जब तक फ्लो लगातार बोलने की हैबिट नहीं बनेगी ये प्रॉब्लम पीछा कैसे छोड़ेगी। अब उसके बाद आता है कि सर हम अनजान लोगों के बीच में क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रैक्टिस आप घर पर कर रहे हो फैमिली मेम्बर्स के साथ कर रहे हो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप अनजान लोगों के बीच में जाते हो तो वहाँ पे आपका माइंड कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है और एक डर आना शुरू होता है। जब कंफ्यूजन आएगी डर आएगा और डर आएगा तो रिस्क लगेगा कि कुछ बोला तो नुकसान हो गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे बोला नहीं जाता। तो ये कुछ मेंटेलिटी है जो आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वहाँ पे भी वही माइंडसेट रखो कि मुझे उसी स्पीड में बोलना है जिसके अंदर मेरा फ्लो काम करता है। अब उसी स्पीड के अंदर आप एक बार कोशिश करके देखना बस, वो एक बार बोलने में ही आपको ये पता लग जाएगा यार मैं तो कितना अच्छा बोलता हूँ। आपने खुद को पहचाना ही नहीं, अटकने वाले इंसान ने आज तक अपने आप को नहीं पहचाना कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ। जब वो अपने आप को पहचानता है, देखता है मैं एक के साथ अच्छा बोल रहा हूँ, दो के साथ, 200 के साथ, फिर वहाँ से वो प्रॉब्लम ख़त्म होना शुरू हो जाती है। स्टैमरिंग होता क्या है, गलत आदत ही तो है। अब वो गलत आदत किसने डेवलप करी, खुद ने, सही किसने, आपको ही करना पड़ेगा। आपको ये तो है नहीं कोई मेडिसिन है या कुछ इंस्ट्रूमेंट है लगा दिया ठीक हो जाएगा, नहीं। जब तक साइंटिफिकली और लॉजिकल उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करोगे, स्पीड का ध्यान नहीं रखोगे,
फ्लो का ध्यान नहीं रखोगे, ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। रख लोगे तो अभी से ही आपको रिकवरी दिखना शुरू हो जाएगी। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना। आपको कितने सालों पुरानी कोई भी प्रॉब्लम हो, एक हमारा व्हाट्सएप पे 1-to-1 में आधे घंटे का आपको वीडियो सेशन रहता है, और उस आधे घंटे के बाद आप जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ आपको, ऐसे लगातार बोलता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कमेंट सेक्शन में लिखना। हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।